असम में इस उफनती नदी को देखकर ही बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। धेमाजी समेत 11 जिलों के करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के ऊपरी इलाकों एवं पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और जोरहट में नेमाती घाट में ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे राज्य के 400 गांवों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले पर पड़ा है। जिले के 35 गांव पानी में डूब चुके हैं, जिससे हजारों लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाना पड़ा। बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई हैं। विभिन्न हिस्सों का राज्य के अन्य भागों से सड़क संपर्क टूट गया है। असम की बाढ़ से धेमाजी, तिनसुकिया, चिरांग, नगांव, गोलाघाट, जोरहट, कामरूप, करीमगंज, लखीमपुर, मोरीगांव और शिवसागर जिले प्रभावित हुए हैं। असम के उत्तरी क्षेत्र के जिलों जोरहट, लखीमपुर और सोनितपुर में सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा बाढ़ के कारण 6000 हेक्टेयर भूमि पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। बाढ़ से सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में हालात खतरे के हैं, लेकिन वो इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धेमाजी, लखीमपुर, जोरहाट, गोलाघाट, करीमगंज, मरीगांव, तिरंग, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट, बट इज नॉट एज क्रिटिकल एज इट इज, स्टिल वी कैन मैनेज इट। सरकार चाहे स्थिति पर नियंत्रण की बात कह रही हो, पर लोगों को फिलहाल इस विकराल होती स्थिति में कुछ नहीं सूझ रहा और वो इस बारे में कुछ यूं बयां कर रहे हैं। बहुत समस्या हुआ है हमारे गांव का लोग रेस प्लेटफॉर्म में अभी रहता है। रेस प्लेटफॉर्म में और ऊंचा खतिया बना लेगा, घर के अंदर भी बाहर पानी घुस गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के मालदा जिले में गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। भारी बारिश के कारण क्षेत्र के एक छोटे बांध में भी दरार आ गई है, जिससे इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। इस सारी स्थिति के कारण लोगों में सरकार के प्रति रोष है और उनका साफ कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार की तरफ से उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही। हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें नहीं पता कि हम कहां जाएं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, मुजफ्फरपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद समेत कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ को लेकर राज्य सरकारें राहत के तमाम दावे कर रही हों, लेकिन लोगों के बयानों से तो लगता है कि ये हकीकत से काफी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।